दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने विंडोज को सही तरीके से शटडाउन कैसे कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लग रहा है क्योंकि शटडाउन तो हर किसी को करना आता है, बट हियर मी आउट। विंडोज की कुछ सेटिंग्स है जिसकी वजह से ना अगर आप शटडाउन बटन को प्रेस करते हो तो वो सही तरीके से शटडाउन नहीं होता, जिसे हम इस वीडियो में फिक्स करने वाले हैं। दोस्तों मुझे ना काफी सारे फ्रेंड्स के कॉल आते हैं अपने कंप्यूटर के प्रॉब्लम को लेकर। वो मुझे अलग अलग प्रॉब्लम बताते हैं, जैसे कि ड्राइवर ठीक से काम नहीं कर रहा, वाईफाई बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, साउंड ठीक से काम नहीं कर रहा। और पता है 80% ऑफ द प्रॉब्लम का मैं उन्हें क्या सोल्यूशन देता हूं? जस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, दैट्स इट। ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपको पता है कि शटडाउन करने के बाद ना आपके विंडोज के सारे फाइल्स, एप्लीकेशंस, कैशे फाइल्स वगैरह कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, जबकि रिस्टार्ट करने के बाद ही वो सारे एप्लीकेशंस और फाइल्स वगैरह क्लोज होते हैं? वेल, ऐसा शुरुआत से नहीं था। जब विंडोज ने विंडोज 8 लॉन्च किया था ना, तब उसमें एक फीचर देकर रखा था जिसका नाम था फास्ट स्टार्टअप। बेसिकली ये फीचर करता क्या है कि पावर ऑन करते समय कुछ सेकेंड्स आपके लिए बचाकर आपके सिस्टम को जल्दी स्टार्टअप करने की कोशिश करता है। और ऐसा ये इसी वजह से कर पाता है क्योंकि विंडोज के सिस्टम में एक हाइबरनेशन की फाइल होती है जिसमें कुछ डेटा बाय डिफॉल्ट स्टोर करके रखा जाता है और वो शटडाउन करने के बाद भी क्लोज नहीं होता। और ये जो फास्ट स्टार्टअप का फीचर है ना, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट कर दिया है आने वाले सारे विंडोज के लिए, सो दैट आपको एक फास्ट स्टार्टअप का एक्सपीरियंस देखने मिल सके। वेल, इसका एक छोटा सा प्रूफ है मेरे पास। जब भी हमारे विंडोज में कोई भी अपडेट वगैरह आता है, जब हम इसे इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के बाद ना आप जब भी स्टार्ट बटन को क्लिक करके शटडाउन करने के लिए जाओगे तो आपको वहां पे 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे, इंस्टॉल अपडेट एंड शटडाउन एंड इंस्टॉल अपडेट एंड रीस्टार्ट। अगर आप इंस्टॉल अपडेट एंड शटडाउन करते भी हो ना, तभी भी विंडोज पहले रीस्टार्ट होता है, अपडेट वगैरह इंस्टॉल करता है और उसके बाद शटडाउन होता है। तो इसे फिक्स करने का तरीका काफी सिंपल है। सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है, वहां पे चूज करना है पावर, फिर उसके बाद एडवांस पावर ऑप्शन, फिर उसके बाद चूज व्हाट पावर बटन्स विल डू। और यहां पर आप देखोगे कि फास्ट स्टार्टअप को ऑलरेडी यहां पे क्लिक करके रखा गया है, तो सिंपली आपको उसे अनचेक करके सेव सेटिंग्स को क्लिक कर देना है। तो इसके बाद जब भी आप शटडाउन बटन को प्रेस करोगे तो शटडाउन हाइबरनेशन फाइल को यूज नहीं करेगा, कंप्लीट सारे एप्लीकेशन को क्लोज वगैरह करके ही वो शटडाउन होगा। अगर आपका लैपटॉप पावरफुल लैपटॉप है, उसमें SSD वगैरह इंस्टॉल है, तो जो भी डिले होने वाला है ना वो एकदम नेग्लिजिबल होगा। मैंने खुद ये फीचर ऑन एंड ऑफ करके देखा है, SSD होने की मदद से एकदम ना के बराबर सा इफेक्ट मुझे लगा। तो आप भी जाइए फास्ट स्टार्टअप ऑप्शन को ऑन एंड ऑफ करके देखिए आपके बूट टाइम में कितना फर्क आता है। तो अगर ये फर्क वर्थ है तो डेफिनेटली इसे ऑन कीजिए, नहीं तो मर्जी आपकी है। दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आने की। क्या आपको ऐसे वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मुझे थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मिल सके। लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।